देश को आजाद हुए आज दशकों बीत गए, मगर मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले पन्ना की तस्वीर आज भी बद से बदतर बनी हुई है, जहां लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो देखकर आप भी शर्मसार हो जाएंगे। जहां एक पिता द्वारा अपने बेटे को इलाज हेतु कटनी के लिए ग्राम कंचनपुरा से मुख्य मार्ग झाला डुमरी तक चारपाई की सहायता से कुछ लोग दलदल भरी सड़क एवं नदी नालों से होते हुए पार कर रहे हैं। इसी पर चर्चा और सवाल करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस सचिव वीरेंद्र द्विवेदी, कमलेश लोधी मंडल अध्यक्ष भाजपा रायपुरा, सतीश विश्वकर्मा लोकल संवाददाता, रजनीश नामदेव ग्लोबल इंडिया टीवी न्यूज रिपोर्टर जिला ब्यूरो पन्ना। पहला सवाल मेरा रजनीश नामदेव जी से, मैं चाहूंगी कि आप उस शर्मनाक तस्वीर की हकीकत बताएं। क्यों खाट पे रखकर पैदल इलाज के लिए बाप अपने बेटे को लेकर जाने को मजबूर है? जी ऐसा जी, मैं आपको बता दूं कि जी आज दशकों बीत गए हैं जी आजाद हुए, लेकिन आज भी पन्ना जिला जो इतना पिछड़ा जिला है ये मध्य प्रदेश में, जहाँ आज भी ऐसे लोग हैं जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपने जो जीवन यापन कर रहे हैं जी। वह उस तस्वीरें कुछ ग्रामों की ऐसी हैं जहाँ पर हम खुद देखते हैं तो उन्हें देखने से हमें खुद शर्मा, लेकिन इस पन्ना जिला की बात की जाए तो अभी कई ग्राम है ऐसा भी कि जहाँ पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन अब सवाल यही उठता है, क्या प्रशासन को यह सब दिखाई नहीं देता है या जनप्रतिनिधियों को यह सब दिखाई नहीं देता है? आखिर क्यों इस तरीके से लोगों को जीवन यापन करना पड़ता है? हालांकि कई बार हम लोगों द्वारा कवरेज भी की जाती है, हम लोग अपने खबरें भी दिखाते हैं, जनप्रतिनिधियों से संवाद भी करते हैं, उनसे बात भी करते हैं, उन तक अपनी पहुंचाते हैं जनता की आवाज को, लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आता कि उनकी सुविधा दी जाए उन ग्रामीण से। जी जी, कमलेश लोधी जी, इस तस्वीर पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस पे इल्जाम देना चाहेंगे, बीमारी को या खाट को? क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि सरकार अपनी कोताही ना मानते हुए इल्जाम इधर उधर धरने में आगे है। क्या कहना चाहेंगे इस तस्वीर पे? जी मैडम, इसमें क्या है कि बारिश अधिक होने के कारण जी नदी नाले उफान पे थे जी, और तबीयत खराब हो जाने के कारण मैंने भी देखा कि बाप अपने बेटे को खाट में ले जा रहा, ये भी निंदनीय बात है, मैं इसको भी मानता हूँ। तो आप ये इल्जाम बारिश पे देना चाह रहे हैं, केवल बारिश जिम्मेदार है इसकी? हाँ बारिश से, और मतलब क्या आप ये नहीं मानते कि नहीं मानते कि सड़कें वहाँ की गुणवत्ता ही है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? ये हाँ कुछ तो गुणवत्ता ही है, ये भी मानता हूँ मैं कि जो मतलब सड़क है गुणवत्ता ही है, और इसकी जानकारी मैंने ली है तो, और इसके लिए मैं अब अपने वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराऊंगा जी, इस तरह से दोबारा मेरे मंडल में जी कोई भी कारनामे ना हो कि सरकार को और जनप्रतिनिधियों को शरणार्थ होना पड़े जी। मैं इसकी जी अगला सवाल मेरा वीरेंद्र द्विवेदी जी, वीरेंद्र जी कहते हैं कि विपक्ष अगर मजबूत हो तो सरकार को डर बना रहता है, अपनी सत्ता और जनता की ओर ध्यान भी रहता है। आज सत्ता में बैठे लोगों को खबर ही नहीं, अच्छी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। क्या लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर पड़ गई है जिससे सरकार का गिरने का डर खत्म हो गया है? क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? देखिए हम रजनीश जी की बात की का समर्थन करते हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के चलते जो स्थानीय स्तर पर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस पैमाने पर डेवलपमेंट होना चाहिए उस स्तर पर डेवलपमेंट नहीं है। 108 एम्बुलेंस का बहुत व्यापक पैमाने पर टेलीविजन पर फ्लैक्स पर प्रचार होता है जी, लेकिन ऐसे समय पर ऐसी कोई सुविधाएं लोगों को नहीं हो पाती हैं जी। स्वाभाविक तौर पर मानसून का समय है, अति वर्षा या कम वर्षा होना स्वाभाविक है जी। और हम ये आपको बताना चाहेंगे कि पन्ना जिला जो है खजुराहो संसदीय क्षेत्र में आता है, जहाँ के सांसद बीडी शर्मा हैं जो कि इस रूलिंग पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं जी, और इस जिले को मध्य प्रदेश राज्य सरकार में रिप्रेजेंट करते हैं बृजेंद्र प्रताप सिंह, जिनका पूरा ध्यान पन्ना जिले में अवैध रेत माफियाओं को संरक्षण दे के रेत का खनन करवाना है और दूसरे कामों में प्राथमिकता है। हमारे अफसोस की बात है कि हमारे जो स्थानीय विधायक है वो बीमारी के चलते लंबे समय से हॉस्पिटलाइज हैं। तो जिस तरह की रूलिंग पार्टी के लोगों की मॉनिटरिंग होना चाहिए वो मॉनिटरिंग नहीं हो पाई जी। दूसरा आपने सवाल किया है विपक्ष की भूमिका पर जी, तो ये मंडल अध्यक्ष जी भी सुन रहे हैं और रजनीश जी भी जान रहे हैं कि बीते एक सालों में लॉकडाउन के समय भी
चाहे वो सड़क का मामला रहा हो, चाहे उसी कंचनपुरा इलाके में सिहारन में एक बड़ी बिल्डिंग बनी है स्वास्थ्य केंद्र संचालित करवाने के लिए मैंने मांग उठाई थी जी। और वहाँ के लिए जो पोस्टेड डॉक्टर हैं वो दूसरे बड़े अस्पताल में अटैच किए गए हैं जी। और मैंने उसके लिए कई बार पहल की है जी। तो विपक्ष ने पूरी जिम्मेदारी से अपनी आवाज को उठाया है, लेकिन जो मेजर प्रशासनिक फैसले हैं वो सत्ताधारी दल के लोगों को लेना है जी। और विपक्ष की आवाज को अनदेखा करने का, बलपूर्वक उसको कुचलने का जो सिलसिला और परंपरा भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र सरकार कर रही है, उससे विपक्ष विवश है जी। जी कमलेश लोधी जी, मैं फिर से आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसा कि वीरेंद्र द्विवेदी ने कहा कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है और बाकी चीजों पर बात की है, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस पे? जी एक बार और क्वेश्चन क्या है जी? वीरेंद्र द्विवेदी जी जैसे मैं कहा कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है और भी बहुत सी बातें कही, तो आप उस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, ये क्या है कि कुछ हद तक तो है गड़बड़, ये भी मैं मानता हूँ कि जो सरपंच सेक्रेटरी सचिव हैं जी, वो उनकी मनमानी ज्यादा है जी। इसकी शिकायत मैंने अपने मतलब अपने ऊपर के नेताओं से भी की जी, तो उन्होंने कहा कि इसका हम सुधार करेंगे जी। दो से तीन बार मैंने शिकायत भी की, जंगल के एरिया के जंगल है, लेकिन सरकार भी ध्यान देती है, बोले अब इसके अगले वर्ष जी, अगले वर्ष तक हम इसको पूर्ण रूप से सही कर देंगे कि दोबारा इस तरह के कारनामे नहीं देखने को मिलेंगे। ये तो आप भी जानते हैं कि अगले वर्ष का जो वादा होता है ये किस तरीके से पूरा होता है, ये तो आपको भी अच्छे से पता है, आप सत्ता में बैठे आपको बहुत बखूबी पता है। ये जो वादे होते हैं बस कहने के लिए होते हैं। मानिए जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है वो धीरे धीरे करके पहले 10 किलोमीटर फिर 5, 6, 3, 2 अब लास्ट छोटे छोटे गांव बचे हैं वो 1-2 साल में सरकार की तरफ से पूर्ण कर लिए जाएंगे जी। इलेक्शन में वोट लेने के लिए इतना समय नहीं लगता, मगर सड़कों के लिए 1 साल का समय मांगना ये कहां उससे उचित है? असन की जो कमलेश लोधी जी हमारे छोटे भाई हैं और इन्होंने अपनी क्षमता अनुसार करिस्पोंडेंट किया भी होगा, ये उसके लिए उत्तरदायी भी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से भारी उपेक्षा है, क्योंकि लोगों की सुविधाएं उनकी प्राथमिकता से बाहर है जी। उनकी प्राथमिकता दूसरे कामों में है जी, जिनका जनता के सुविधाओं से कोई सरोकार नहीं है जी। अगला सवाल मेरा सतीश विश्वकर्मा जी से। सतीश जी क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने सबको सुना और आपने उस तस्वीर की पीड़ा पे भी आपकी नजर पड़ी और आपने कवरेज भी किया होगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे? जी मैडम, हम लोग स्थानीय पत्रकार होने के नाते जो कमियां होती हैं वो शासन प्रशासन के बीच में रखना चाहते हैं और रखते भी हैं जी। लेकिन इस पर न प्रशासन कोई पहल करता है और शासन तो करेगा ही क्यों जी, क्योंकि उनकी सत्ता है, वो अपने मन के मालिक है, भाई क्या करना क्या नहीं करना भाई जब प्रशासन को निर्देशित करेंगे तब ना कुछ होगा जी। तो ऐसी स्थितियां बनी हुई है जगह जगह, रायपुरा क्षेत्र देख लें आप, साहनगर क्षेत्र देख लें, ऐसे कई गांव हैं जो मेन पहुंच मार्ग से वंचित हैं, जो ग्रामीण से जो रोड जुड़े हुए थे मेन रोड से तो वो है ही नहीं है वहां लोग जी। तो अभी तो सब प्रशासन की कमियां साक्षात दिख रही है, उसमें कोई किसी को बोले तो गलत है, वो तो प्रशासन है इसमें जुम्मेवार, मैं तो इन्हीं को मानता हूँ भाई। अपन कमियां दिखाते हैं फिर भी सक्रिय पत्रकार हैं और इन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में मेरी भूमिका को अवश्य देखा होगा जी। जी 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 बिल्कुल, ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता जिस पर हमने आवाज नहीं उठाई हो जी। आवाज तो मिलकर उठाई, लेकिन कोई आवाज को भाई अपन लोग उठाते हैं लेकिन कोई पहल नहीं करने वाला। विपक्ष तो कर नहीं सकता, विपक्ष तो भाई सहयोग कर सकता है, लेकिन इसको जो सत्ताधारी नेता है उनको संज्ञान में लेके भाई जो कमियां उसको दूर करनी चाहिए, करानी चाहिए, प्रशासन को निर्देशित करना चाहिए, तो ऐसा कुछ है ही नहीं है जी। नहीं, हम लोग जागरूक करते रहते हैं, आते समय में कोई भी घटना ऐसी घटित होती तो होते रहते हैं। अब सरकार बड़े नेताओं का ऊपर है, ये बड़े नेता नहीं सुनते तो हम भी भले अब छोटे स्तर अपना जितना मंडल का काम है छोटा कार है अपन लोग करते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं। अब ये बड़े स्तर के नेताओं का काम है, इसका काम संगठन का विस्तार है, प्रशासनिक चीजें तो दूसरी जगह है ना, उनको लेना है। हाँ निर्णय, ये बात सही है, मैंने और जो अधिकारियों को ये काम करना चाहिए उनके ऊपर प्रॉपर अंकुश नहीं है पन्ना जिले में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं महाराज जी, इस बात का मैं समर्थन को मैं भी सही बोल रहा हूँ, भले मैं सरकार में प्रतिनिधि हूँ मंडल है, लेकिन ये बात है कि सरकार का कर्मचारियों और प्रशासन के ऊपर अंकुश नहीं है, इसलिए इस तरह की लापरवाही देखने को मिलती है। जी, अब फिलहाल ये देखना होगा कि ये जो बातें हैं वो काम में कब तक कन्वर्ट होती हैं। फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी पर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जो कंचनपुरा है, ग्राम पंचायत फतेहपुर में लगता है कंचनपुरा, वहाँ पे एक नाला है छोटा नाला, तो उस नाले में से लोग पैदल आते जाते हैं, इसकी जांच कराते हैं, ग्राम पंचायत से प्रस्ताव बनवा के उसमें पुलिया का निर्माण करवाते हैं। जी, तो इस विषय में क्या आपने वहाँ के जो रोजगार सहायक हैं, सचिव हैं, क्या इस बारे में जानकारी ली है, क्योंकि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, उनका ऐसा कहना है? हाँ, उन लोगों को अभी जानकारी तो नहीं दी, लेकिन हम जानकारी दे के इसका जल्दी से जल्दी काम करवाते हैं, जांच करने के बाद में जैसे उनका सीजन आ जाएगा पुल निर्माण का कर देते हैं। वहाँ पर क्या फॉरेस्ट की ज़मीन भी लगी हुई है, तो उसके कारण वो पुल का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जाँच करवा के उनके पुल का निर्माण हम आगामी समय तक जल्द से जल्द करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जी।